वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी बीत रही है आपकी लाइफ आज के हमारा वाओ के प्रोडक्ट्स का आज हम रिव्यू देने जा रहे हैं। ये इसका बॉक्स है, इसने ऑर्डर किया था, ये मेरा बॉक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो ये रहा हमारा फर्स्ट बॉक्स, कितनी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या है। ये तो पैम्पलेट है और ये इसमें एक पजल वगैरह और बट जो प्लम के प्रोडक्ट वगैरह है वो ये यूज करती है, प्लम के, एमकैफे के, डॉट एंड की के, ये इसके फेवरेट प्रोडक्ट्स है। तो काफी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये ज्यादातर डॉट एंड की और इन सबके रिव्यूज ये देती है और वाओ के मैं देती हूँ। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, बस हम दोनों नहीं, ये जो जितनी ब्रांड्स के हमने अभी नाम बताए सारी ब्रांड्स के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। आप चूज नहीं कर सकते कि किसका क्या यूज करना है, हम आपको हर चीज का एक अलग अलग वीडियो बना के दिखाएंगे। जैसे आज वाओ की है, नेक्स्ट टाइम हम किसी और चीज की दिखाएंगे। और अभी तक आपने हमारी गर्ल्स टॉक वाली जो सीरीज है उसके लिए हमने आपको बोला था कि कमेंट कीजिए, उसमें अभी तक कितने भी कमेंट आपने किए। हाउ रूड, आपने वीडियो भी लाइक नहीं किया, कमेंट भी नहीं किया। अब आप बताइए हम गर्ल्स कैसे निकाले उस पर वीडियो, जब तक आप इतनी अच्छी अच्छी न्यू चीजें हैं उसमें है ना, इतनी न्यू इन्फॉर्मेशन हमने आपके लिए कलेक्ट करके रखी। अगर आप वीडियो को नहीं लाइक करेंगे और कमेंट नहीं करेंगे तो हम गर्ल्स थिंग वाली वीडियो नहीं बनाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बकवास छोड़कर, लोगों को फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो किसी और का वीडियो देखते हैं। हम गर्ल्स बनाएंगे आपके, पर प्लीज यार कमेंट तो करो, लाइक तो करो, शेयर तो करो, कम से कम अगर शेयर कर दो आप बस। चलिए गाइस हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रोडक्ट के साथ। आपको बताते हैं ये हमारा फेवरेट उपटन फेस वॉश, बहुत ही अच्छा है ये, हमें बहुत पसंद है उपटन का फेस वॉश। ये ना एकदम नेचुरल, मतलब ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जेंटल है इसके। इसके अंदर ना प्योर टर्मरिक, सैफ्रन, आमंड, रोज वाटर और भी बहुत सारी चीजें, जैसे सैंडलवुड ऑयल, चिकपी फ्लावर, ये सब हमारे स्किन को स्क्रब के साथ साथ मॉइस्चराइज और ग्लोइंग भी करते हैं। और डॉट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा और यहाँ पे ना आप QR कोड, जैसे कि हमने वाओ की पहली वीडियो में बनाया था कि ये QR जो कोड होता है ना, आप इसको स्कैन करके प्रोडक्ट्स की सारी जानकारी ले सकते हैं कि वो कैसे बना है और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, सारी चीजें। ये हमें पड़ा था 249 का, यहाँ पे आपको प्राइस दिख जाएंगे और बहुत सारी डिटेल्स, हाउ टू यूज सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट भी करो वीडियो पे प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, देखिए कितनी अच्छी पैकेजिंग, मतलब बॉक्स के अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स है इसमें। तो ये है गाइस हमारा बहुत ही फेवरेट, हमारा फेवरेट हो चुका है, ये सिग्नेचर बॉडी वॉश हो चुका है। ये है वाओ का मेलन कुकुम्बर एंड एलोवेरा फोमिंग बॉडी वॉश, इसमें शिया बटर और विटामिन ई है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए, तो कोई भी यूज कर सकता है। ये 250 ml की बॉटल में है और इसकी खुशबू गाइस, आप इस बॉडी वॉश से नहा कर अगर बाहर आओगे ना, मतलब पूरे दिन आपके वॉशरूम में इसकी खुशबू आती रहेगी, स्मेल आती रहेगी, प्यारी सी। ये 339 रुपीस का है प्राइस और हाउ टू यूज आपको अगेन आपको पैक के पीछे मिल जाएगा, यहाँ पे QR कोड है। और स्किन बहुत सॉफ्ट हो जाती है और बहुत रिफ्रेशिंग हो जाती है, पक्का यूज करके देखिए, बहुत ही अच्छी, तो बेस्ट है, अच्छा नहीं बेस्ट है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे सेफ्टी कैप है, सेफ्टी कैप नहीं, अच्छी बात है। नॉर्मली जब पैक होके आता है कुछ भी तो वो लीक कर जाता है कभी कभार, तो उसके लिए सही है ये। दिखा देते हैं कि कैसे आता है ये, देखिए अभी सिर्फ वॉटर खुली और इतनी अच्छी स्मेल, कितनी अच्छी स्मेल है इसकी, एकदम जेल बेस्ड है और ट्रांसपेरेंट है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई कलर नहीं है। अगर कोई भी प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट है ना, तो मींस इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं, क्योंकि कलर देने के लिए उसमें आर्टिफिशियल बहुत सारे केमिकल यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज और फिर वो ओवर सेंसिटिव स्किन वाले लोग में भी उनको स्किन पे रिएक्शन कर जाता है, तो अच्छी बात है ये ट्रांसपेरेंट। हल्का सा रब करने पे हल्का सा फोम हो गया, आप लूफा वगैरह यूज करके इसे बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। और ज्यादा फोम वाली चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसमें ज्यादा फोम बनता है ना, उन प्रोडक्ट्स में बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स मिलाए जाते हैं, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज में ऑफकोर्स झाग बनाना है तो हमें उसमें ज्यादा केमिकल डालने पड़े। मैं इसे वॉश करके आती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास ये कोकोनट का फेस वॉश, एक सेकंड, कोकोनट हाइड्रेटिंग फेस वॉश, ये देखिए बहुत ही प्यारी इसकी स्मेल गाइस, ये मैंने पर्सनली यूज किया, इसकी स्मेल कोकोनट का कंडीशनर, कोकोनट का फेस वॉश, कोकोनट का कोकोनट हैंड क्रीम, बहुत ही अमेजिंग है गाइस। जिन लोगों ने हैंड क्रीम यूज किया ना कोकोनट की, उसकी सेम स्मेल है, सेम स्मेल। और इसको लगाने के बाद मैंने इसे अभी मंगवाए हुए 2-3 दिन से यूज भी कर रही हूँ। मैंने नहीं किया, ये बदला ले रही है,
मैंने वो वाले प्रोडक्ट्स यूज कर लिए थे इसीलिए। हाँ तो वो इसको काफी दिन से यूज कर रही थी, और इसे यूज करने के बाद ना स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट से एकदम, और हाइड्रेट रहती है, हाइड्रेटेड भी हो जाती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है स्किन। कोई भी स्किन पे मतलब ऐसा नहीं लगता है कि साबुन साबुन से मुंह धोने के बाद कभी कभी लगता है ना थोड़ा हार्ड और ड्राई ड्राई, वो इस फेस वॉश को यूज करने के बाद नहीं लगाना। और वैसे भी गाइस फेस पे सोप नहीं यूज करना चाहिए, फेस वॉश यूज करो, फेस क्लेंजर यूज करो, बट जो सोप प्रोडक्ट जो स्पेशली फेस के लिए बनाए गए उन प्रोडक्ट्स को, हाँ जैसे कुछ सोप होते हैं जो फेशियल सोप होते हैं आप वो यूज कर सकते हो। गाइस ऐसे मैच कैसी लग रही है, क्यूट लग रही है। ये हमारा कैमरे गर्ल ने सजेस्ट किया था ये हेयर स्टाइल, ये उसकी पसंद का है। ये देखिए कैसी लग रही है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हाँ तो बैक टू प्रोडक्ट, और ये है पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री और सिलिकॉन फ्री और कलर फ्री। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है पैक में, और इसमें कोकोनट वाटर, एलो लीफ एक्सट्रैक्ट और प्रोविटामिन B5, विटामिन ई मिला हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसका रियल प्राइस है 249, एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ ये हमें फ्री मिला है। ये प्रोडक्ट फ्री मिला है, और बहुत ही अच्छी बात है, आपको इतना बड़ा प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है, अच्छी बात है, बहुत सही है। 7 प्रोडक्ट मंगाए थे, और जिनके साथ हमें 3 प्रोडक्ट्स, नहीं एक सेकेंड, 3 नहीं, 1 2 3 4 5 प्रोडक्ट्स हमने ऑर्डर किए थे, जिसके साथ हमें 3 प्रोडक्ट्स जो हैं हमें फ्री मिले हैं। और वो एक तो ये है, दो और भी है, वो हम आपको अभी बताएंगे। और वैसे वो इन लोगों ने ऑर्डर किया था 1400 समथिंग का, और वो पढ़ा कितने का आपको पता है, मतलब कोड लगाने के बाद और सबके बाद इनको पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ 700 का, सिर्फ और सिर्फ, मतलब ये 7-8 प्रोडक्ट 700 के, बहुत ही अच्छी चीज मिल गई हमें, अच्छी डील। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 250 और 500 350 ये, हाँ तो कितना हुआ, 5 6 7 800 890 ऐसे 700 तो यही हो गए इन 3 प्रोडक्ट्स में, और अभी तो प्रोडक्ट्स और भी बाकी है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। और गाइस अगर आपको जानना है कि ये कूपन कोड और ये सब हमने वाउचर्स वगैरह कहाँ से लगाए, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, हमने ये कैश करो कैश बैक से किया है, उसकी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम इससे ट्राई करते हैं, तो इसलिए हमने मंगाए हैं। और इसके सोप भी ना बिल्कुल इनके बॉडी वॉश और फेस वॉश जैसे ही जेंटल प्रोडक्ट है। फर्स्ट हम आपको दिखाते हैं ये एप्पल साइडर विनेगर बाथिंग बार, ये देखिए एक्चुअली ये भी मैंने यूज़ किया है जो मैंने अभी तक नहीं किया, क्योंकि मैं तब से अभी मेरा दूसरा प्रोडक्ट चल रहा है, इसीलिए मैं सोचा थोड़ा रुक के यूज़ करूँगी। ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, ये न्यू पैकेजिंग है और मेड इन इंडिया है अभी, और इसका pH लेवल 5.5 है, ये जो हमारी बॉडी पे ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और ये 75 ग्राम्स आपको मिल जाएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे, बहुत ही प्यारा सा छोटू सा सोप है। हाँ और इसका ये देखिए pH लेवल स्ट्रिप इनसाइड, ये देखिए इसके अंदर ना पैक के अंदर आपको pH लेवल को टेस्ट करने के लिए ना सोप का pH लेवल टेस्ट करने के लिए एक वो देते हैं pH टेस्ट, अरे वो स्ट्रिप देते हैं, स्ट्रिप या बैंड जो भी बोल दीजिए। अगेन इसके 6 रीजन टू ट्राई बाथिंग बार विद pH 5.5 pH, इसमें आपको रीजंस बताए हैं कि आप मतलब क्यों ये सोप यूज करना चाहिए, बाकी नहीं करने चाहिए, बार कोड और अगेन यहाँ पे उसके प्रोडक्ट की जानकारी, और ये वीगन प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली अच्छा है हमारे लिए। और ये हमें पड़ा है 125 का, ठीक है थोड़ा सा किसी को कॉस्टली लग सकता है, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छे, अगर प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए अच्छे हैं तो फिर थोड़ा कॉस्टली तो चलता है। अब आप मान लो लोकल प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे लोकल सोप मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट वो आप यूज करोगे खुशबू भी अच्छी है लेकिन वो आपकी स्किन के लिए अच्छे नहीं है, वो हार्ड होते हैं आपके स्किन पे। यहीं पे आप अगर जैसे खाड़ी का, इसका बाओ का, मामाअर्थ का सोप है नहीं, बाओ वो एम कैफीन के सोप यूज करोगे तो वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये देखिए ये इस तरह का सोप मिलता है, बहुत ही प्यारा है, और इसकी खुशबू, इसकी स्मेल गाइस, सिर्फ पैक ओपन करने पे आपको एप्पल साइडर कितनी प्यारी स्मेल, और इसे आप यूज करते हैं ना बॉडी पे तो इतनी जल्दी, मतलब बहुत ज्यादा फोम भी नहीं देता है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल लेस फोम है, बहुत अच्छा है, जेंटल है, स्किन को बहुत ही ज्यादा ऐसे रिफ्रेशिंग कर देता है, लाइक दिस बॉडी वॉश। हम तो डिसाइड ही नहीं कर पाते सोप यूज करें या बॉडी वॉश यूज करें, बहुत अच्छा है ये, हमने इसे यूज किया। और नेक्स्ट सोप, नेक्स्ट है हमारा वाव का ब्राइटनिंग विटामिन सी बेथिंग बार, और इसका भी pH 5.5 है, और ये 75 ग्राम का सोप है, और इसमें है विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज ऑयल, जो हमारी स्किन के लिए ऑब्वियसली स्किन के लिए, फेस के लिए, बॉडी के लिए, सभी के लिए अच्छा होता है, और के सारे प्रोडक्ट थेरेपिक और सिलिकॉन ये सब फ्री होते हैं। और ये स्किन फ्रेंडली है, ये देखिए ये नहीं खुला है, ये अभी तक नहीं यूज़ है, ऑब्वियसली एक बार में एक ही चीज़ यूज़ करेंगे ना तो ये इस टाइप की पैकेजिंग में है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वाओ स्किन साइंस, आप जब लेंगे तब आपको यहाँ पे दिख जाएगा।
हाँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ के पैक के पीछे PH5.5 का वो मे भी आप डायग्राम बना हुआ है। हाँ तो इसका भी प्राइस सेम ही है ना, 125। सारे सोप्स का प्राइस 125 ही है। और ये भी अच्छा सोप है, ये भी हम आपको यूज करके इसके बारे में बताएंगे। नहीं, मैंने तो वो सोप यूज किया है और बहुत अच्छे है, जेंटल सोप है सारे। सारे बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है कि आप इन्हें अपनी मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने बच्चों को यूज करने नहीं दे सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। ऐसा देखिए यहाँ पे सूटेबल टू नॉर्मल ड्राई सेंसिटिव ऑयली स्किन है ना, सबके लिए सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फ्री वाले प्रोडक्ट की तरफ। फ्री मिले हैं, नहीं ऑब्वियसली अच्छा है ना। मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि हमें 700-800 रुपए में मतलब कम से कम 1500 का या फिर उससे ज्यादा ही का प्रोडक्ट मिल गया। वही, और नहीं अच्छी बात है ना, हमने टाइम पे ऑफर जब था तब हमने ऑर्डर कर दिया। स्कैल्प मसाजर है ये, इससे हम अपने पोर्स, जिनके ना बाल हल्के से मतलब पेन होते हैं, जिनके रूट्स में पेन होते हैं या फिर जिनकी रूट्स ना रूट से बाल टूट जाते हैं, उन लोगों के लिए स्कैल्प मसाजर बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जैसे आप स्कैल्प मसाजर जरूरी नहीं है सिर्फ मसाज करने के लिए, आप नॉर्मली हेयर मास्क लगाते हैं आप तब भी इसका यूज कर सकते हैं। ASMR इस तरह की कुछ पैकेजिंग में, यहाँ पे आपको हैंडल दिया हुआ है पकड़ने के लिए इस तरह से, देखिए। और यहाँ पे आपको ये सिलिकॉन के ब्रश हैं, ये देखिए ऐसा नहीं है कि ये हार्ड ऐसे दिख रहे हैं, वो सिर्फ आपको दिख रहे हैं, आपको इमेज में भी सिर्फ दिखेंगे, बट ट्रस्ट में ये आप लोगे ना तब आपको पता चलेगा कितनी सॉफ्ट है। ये देखिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ये देखिए इसके ये जो है ना, ये देखिए आप, ये शार्प नहीं है मतलब आप ऐसे इसको मोड़ सकते हैं। ये सिलिकॉन है ना, तो सिलिकॉन सॉफ्ट होता है, ये देखिए। और गाइस इसकी इतनी अच्छी बात मैं आपको बताना ही भूल गई, बट ये हमारे ब्लड फ्लो को, स्कैल्प के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, अच्छे से स्टिमुलेट करता है हमारी हेयर ग्रोथ को, तो बहुत ही अच्छी बात है। वीक्स में एक दो बार आप यूज कर सकते हो इसे। और ऐसा भी नहीं है कि आप सोच रहे हो कि इतना सॉफ्ट है कि अगर हम स्कैल्प पे रखेंगे तो ऑफकोर्स ये बैंड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे ऐसे करेंगे ना, ये देखिए बैंड नहीं हो रहा है। ये ऑब्वियसली हमने बोला ना मसाजर है ये, तो ये थोड़ा मसाजर जैसा है। बहुत से लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं मसाजर को लेके, कि हो सकता है मसाजर बहुत ज्यादा मतलब हार्ड होता है, रूट्स को तोड़ सकता है ये, बट ये वाओ का मसाजर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये देखिए सिलिकॉन का बहुत ही सॉफ्ट है, और आपके हेयर को ट्राई करके दिखा सकती हूँ अपने बालों पे, ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना जेंटली मसाज, बहुत ही अच्छे से मसाज हो रहा है, और देखिए मेरे बाल भी नहीं टूटे इससे, पता भी नहीं चलता है कि हम मसाजर यूज कर। तो चलिए अब इसके बारे में बताते हैं, इसका प्राइस है 499 जो हमें फ्री में मिला है। गाइस हम आपको वाओ में डिस्काउंट के भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे डिस्काउंट कूपन कोड्स वगैरह, तो आप उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं वाओ की वेबसाइट पे जाके। हम आपको सारे ऑफर के लिंक और प्रोडक्ट के, ऑफ कोर्स प्रोडक्ट लिंक भी हम आपको नीचे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके ऑर्डर कर सकते हैं। स्कैल्प मसाजर, ट्रस्ट मी गाइस, जिसको हेयर फॉल हो रहे हैं ना, हेयर फॉल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग एक बार स्कैल्प मसाजर यूज करके देखें। और वाओ के जो ऑनियन वाला या फिर एप्पल साइडर शैम्पू है, कंडीशनर है, हेयर मास्क है, इन सब प्रोडक्ट को एक बार यूज करके देखें आप लोग, बहुत ही जल्दी आपकी हेयर ग्रोथ होने लगेगी और आपका जो हेयर फॉल है वो भी कम हो जाएगा। मतलब नॉर्मली जैसे हार्मफुल हम शैम्पू वगैरह यूज करते हैं तो उससे तो हेयर फॉल जल्दी होता है, ज्यादा होता है। और गाइस ये वाला जो मसाजर है, ये हमारे जो स्कैल्प पे डर्ट बिल्डअप हो जाता है ना, जिसके कारण फिर हमें मतलब नॉर्मली ड्राई स्कैल्प हो जाती है या फिर ज्यादा डर्ट वगैरह हो जाता है, और उसके कारण हेयर ग्रोथ रुक जाती है हमारी, तो उसको ये लूज करने में हेल्प करता है, तो डर्ट वगैरह निकल जाती है बाहर इससे मसाज करने पे, वो अच्छी डर्ट के चलते डैंड्रफ हो जाता है। हाँ एग्जैक्टली। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और लास्ट प्रोडक्ट की तरफ। सच में गाइस आपको वीडियो में ये सब दिखाने के लिए हम कितना वेट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को ओपन करने के लिए, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए भी चाहते, कभी कभी हम यूज भी नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, इतना रुकना पड़ता है हमें। ये है हमारा अगला फ्री प्रोडक्ट, ये फ्री प्रोडक्ट है जिसका रियल प्राइस 599 है, 599 यानी 600 रुपए का प्रोडक्ट हमें फ्री मिला है, फ्री 700 का सारा सामान। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 700 का तो ये भी नहीं हो रहा है, ये और क्या 725 हो रहा है ये तब भी टोटल करने पे अगर हम ये सिंगल सिंगल प्रोडक्ट मंगाते तो। चलिए गाइस चलिए हम इसका रिव्यू देते हैं। रेटिनॉल फेस क्रीम, जो भी अपने 20s के एज में आ चुके हैं, 20s में आ चुके हैं उनके लिए ये ओके है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कम वाले मत यूज करना। ऑब्वियसली हर किसी चीज के लिए एक एज होती है, और रेटिनॉल हमारे जो स्किन पे एजिंग साइंस होती है, रिंकल्स होते हैं, उन सबको, फाइन लाइंस होती है, उन सबको कम करने के लिए रेटिनॉल
काम आता है, तो ऑब्वियसली आप 20s में अपने यूज कर सकते हैं, उससे पहले नहीं. हाँ 18s में भी शायद कर सकते हैं, बट उससे कम से 20 तक कर सकते हैं. नहीं नहीं 18 के हाँ ऊपर 80-20 ये यूज कर सकते हैं. ये देखिए आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे कि क्या क्या मिला हुआ है इसमें. और मेनली 50 ml है ये. हाँ मुझे लगा छोटा सा होगा. मेड इन इंडिया है. और अगेन पैराबिक सिलिकॉन कलर है ना, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस फ्री है ऑब्वियसली. तभी इसकी स्मेल इतनी गंदी है. मैंने अभी ओपन नहीं किया, ये वाला एक दिन यूज किया था गाइस, बट इसकी स्मेल थोड़ी. हाँ ऑब्वियसली अब ये रेटिनॉल और ये कुछ ऐसे वो होते हैं ना केमिकल्स जो स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनकी स्मेल अच्छी नहीं होती. हाँ. वो होता है ना कि ये देखिए आपको हेल्दी रहने के लिए करेला भी खाना पड़ता है. यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिले गाइस. आपको इसे सिर्फ नाइट में यूज करना है, इसको डे में यूज नहीं करना है. इस सन की हार्मफुल रेज के चलते आपकी स्किन को ये इफेक्ट भी कर सकती है. तो ऑब्वियसली जो भी नाइट पर्सन है, जिन्हें भी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन पसंद है, वो ये यूज़ कर सकते हैं. और गाइस जिनको भी गलत फहमी है कि क्या बोलते हैं हमें सिर्फ 30s के टाइम पे रेटिनॉल और एंटी एजिंग यूज़ करनी चाहिए, वो सब गलत है, सब मिथ है. आपको एंटी एजिंग आप 20 से स्टार्ट कर सकते हो, अर्ली एज से स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपकी उम्र बढ़ते बढ़ते आपके जल्दी रिंकल्स वगैरह ना आए और वो मेंटेन करके रखे आपकी स्किन और उसकी इलास्टिसिटी और बाकी सब कुछ. ये देखिए इसमें लिखा हुआ है विटामिन B5E है ना, और ये वर्क ऑन ऑल स्किन टाइप्स है. और यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीजें लिखी हुई मिल जाएंगी. आप चलिए ओपन करते हैं. गाइस कोई भी प्रोडक्ट आप बिना इस पैकेजिंग के, बिना आउटर पैकेजिंग के आप मत खरीदेगा. हाँ. फेक भी हो सकते हैं. ओ सुअर वो एक्चुअली आज हमारी कैमरा गर्ल थोड़ा सा लीफ पे है. आपको ये सारे प्रोडक्ट के नाम जो उल्टे दिख रहे हैं ना, क्योंकि शूट कर रहे हैं इसलिए. ये देखिए ये ऐसा होल मिलता है छोटा सा, बहुत अच्छी बात है. और इसमें हाँ. सेफ्टी कैप आती है, वो शायद वो हमने निकाल थी, इसने यूज किया था ना. ये देखिए आप इसे हल्का सा प्रेस करेंगे ना ऐसे, ये देखिए ये क्रीम ऊपर आ गई. आप इसको ऐसे लेके, ज्यादा नहीं, आपके एक ड्रॉप या दो ड्रॉप से आपका पूरा फेस व्हाइटिश कलर की है ये, और ऐसे अच्छे से जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है. ये देखिए और गाइस वैसे आपको मैं देखना होगा, बहुत ही वियर्ड है. हाँ थोड़ी सी थोड़ी ज्यादा सी नहीं, मेरे लिए तो इतनी वेयर नहीं है. और आपको ये आप देख सकते हैं, देखिए कितनी क्वांटिटी देख रहे हैं आप, फ्री प्रोडक्ट. तो वही आप इसकी क्वांटिटी वगैरह सब ऐसे ओपन करके भी देख सकते हैं. और अगर आपको बाद में ये खत्म हो जाए फिर दोबारा से यूज करना दूसरी क्रीम डाल के. हाँ. बंद करके ऐसे दबा के यूज करो. चिंदी चौक नहीं, फेस मॉइस्चराइजर भी आता है ना, वो ऐसे ट्यूब में आता है, आप इसमें फिल करके यूज करो. ये देखिए चमकाते हैं. नेक्स्ट प्रोडक्ट, और लास्ट में हम आपको एक स्पेशल प्रोडक्ट भी दिखाएंगे जिनको हमने इन प्रोडक्ट्स के साथ नहीं मंगाया था, जो हमने अलग से ऑर्डर किया. चलो रख दो, चलिए वाले मेरा थोड़ा सामान मेरा भी है, ये मेरा, ये मैंने ले लिया, इधर रखो वापस. चलो तो चलिए हम अपने नेक्स्ट बॉक्स की तरफ. हमारा बैकग्राउंड गिर गया. तो चलिए गाइस बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट बॉक्स की तरफ जो मैंने ऑर्डर किया था. चलो दिखाओ जल्दी. हाँ ये रहा इतना बड़ा बॉक्स. ऑब्वियसली जब मैंने पहले देखा, पहले मैं भी शॉक्ड हो गई थी, कितना सब क्या आ गया इसमें. खुल जा और हमें पहले जो हर वाओ के प्रोडक्ट था, वाओ ने एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की, टेक्नोलॉजी मतलब नया सिस्टम लॉन्च किया है कि वो सीट्स देते हैं. ये देखिए ऑब्वियसली जो इनका बॉक्स था वो वाले सीट हम गाड़ चुके हैं मिट्टी में, गार्डन में. देखिए इस तरह का पैक मिलता है. और हमें मिले हैं स्पिनच सीड मिले हैं. कुछ लोगों को रेड ऑनियन सीड भी मिले होंगे जिन्होंने ऑर्डर किया होगा. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम प्रोडक्ट के साथ साथ वो मतलब प्लांट्स का भी ध्यान रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है. और अब ये हर प्रोडक्ट्स के साथ फ्री है मिलेगा, सीड्स वगैरह आपको. अच्छा है ना, हम आपको अपनी स्पिनच उगा के दिखाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे उसका. ब्लॉग बनाएंगे हमारे चैनल. अगर आप तक अभी तक आपने हमारे वो वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. हमारे गए नहीं अभी तक आप लोग, चलो कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद चले जाना. आप अभी ये वीडियो देख लीजिए, करना जरूर सब्सक्राइब लाइक शेयर सब कुछ करना. और जाने की जल्दी में इस हाँ. वीडियो को लाइक करना मत भूल जाइएगा. सच में लिंक वगैरह सब इसी में है. ये देखिए हमारा पैम्पलेट और इसमें गेम भी है, सर्च वाला गेम. प्रोडक्ट के बारे में सारी डिटेल्स है और क्रॉसवर्ड है इसमें. आई थिंक ये शायद सीड से रिलेटेड है. कौन कौन से, हाँ जो भी. ये इसका पैक अभी तक नहीं ओपन हुआ है. मैंने कितना इंतजार किया था तुझे खोलने के लिए. चलो हम खोलते हैं अपना प्रोडक्ट्स. तो गाइज ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मेरा ऑर्डर आया है 638 का. और इसमें ऑब्वियसली ऑफर चल रहा था, तो इसमें एक फेस वॉश और एक फेस क्रीम दोनों फ्री मिले हैं. हम तो वेट ही करते.
क्या बात है। ये रहे हमारे प्रोडक्ट्स, चार प्रोडक्ट है हमारे, दो फ्री है, दो इन्होंने ऑर्डर किए, दो ऑर्डर किए थे। कितने का पड़ा है आपको सारा? मतलब 638 इन दोनों का पड़ा है, हेयर मास्क और बॉडी वॉश का। 638 के चार प्रोडक्ट है, ठीक है ना? मेरे को पता नहीं, 738 नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को 50 रुपीस कैशबैक मिला है हमें, 1500 रुपए का कैशबैक। आप ना बोले, आप कंट्रोल करेंगे, ये कैमरा गर्ल ने ऑर्डर किया कैशबैक 500 रुपए कैशबैक मींस कैश करो कैशबैक में 50 रुपए 55 रुपए और हमें 1500 का सामान 700 में मिला है, ठीक है ना? मुझे इन लोगों ने नहीं बताया, किसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ? आप बगल में बैठ के मैं ऑर्डर कर रही थी, बताया किसी ने नहीं मेरे को, हमें नहीं पता। सबसे पहला ये बॉडी वॉश, सेम बॉडी वॉश, बस इसकी पैकेजिंग कभी अच्छी नहीं आती, कभी अच्छी नहीं आती। इनको दिया है पॉलिथिन में पैक करके, ये देखिए, और हमें दिया था हम ये दिखा चुके बड़ी बड़ी चुलमची पैक, ठीक है चलो और अनइम्पॉर्टेंट लोगों की पैकेजिंग इस पॉलिथिन में, ठीक है ना? पैक तो है ना, शुक्र मना वो कंपनी वालों ने देख के नहीं दे दिया कि पकड़ा उन्हें प्रोडक्ट। इसको थोड़ा सा कम भी दिया, देखिए हमारा यहाँ तक भरा हुआ तो चल ना निकल। तो गाइस इसके हम रिव्यू आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, बार कोड है, सब कुछ बहुत अच्छी है, हमने यूज करके दिखाया था आपको, बहुत अच्छा है। तो क्या वो खुशबू दोबारा सुन सकते? चलो सेफ्टी कैप तो लगाया, वरना पता चला वो भी हटा के देते। मैंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? अगला हमारे पास प्रोडक्ट है ये बॉडी एंड, अगला हमारा प्रोडक्ट है बॉडी एंड क्यूपिड का रेड ऑनियन एंड फेनोग्रीक हेयर मास्क। ये बॉडी क्यूपिड और वाओ दोनों कंबाइंड कंपनी है, कोलैब करके है। ये लोग कुछ प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, देखिए। और ऑब्वियसली मेरे को हेयर मास्क दूसरा मंगाना था, लेकिन मैंने फेनोग्रीक पढ़ के, फेनोग्रीक यानी मेथी पढ़ के इसको मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि अगेन मेरे पास पैकेजिंग, हमें तो देखिए इस तरह के बॉक्स में पैक होके आता है, गरीबों को वो मेरा ही बॉक्स है, गरीबों को पॉलिथिन में, गरीबों को पॉलिथिन में दे देते हैं। पैकेजिंग मतलब ये देखिए, इसकी जो बोटल्स होती है ना, आप उनको दोबारा भी यूज कर सकते हैं, कंटेनर नॉर्मली जैसे कुछ कंटेन करने के लिए। मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग ना, किसी लोगों को प्राइस बहुत ज्यादा लगता है, बट ऐसा नहीं है गाइस, प्राइस के अकॉर्डिंग ना इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा होती है, पूरा फुल होता है ना। कुछ लोग होते हैं कि प्रोडक्ट ना प्राइस बहुत ज्यादा होता है, बट बोतल में ना प्रोडक्ट सिर्फ इतना सा भर देंगे या फिर सिर्फ इतना थोड़ा सा भर देंगे, बट ये यहाँ तक ऑलमोस्ट यहाँ तक फिलअप होता है। तो गाइस जैसे इसमें नेचुरल प्रोडक्ट्स डालते हैं तो ऑब्वियसली उसका प्राइस थोड़ा कॉस्टली होता है थोड़ा। ये है 499 का प्रोडक्ट और बॉडी वॉश का हम आपको बता चुके हैं उसका प्राइस रियल, और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पैक के पीछे QR कोड और भी सारी इंग्रेडिएंट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और गाइस ये यहाँ पे सिर्फ आपको हाफ ओपन करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे और वो दिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए हुए आपको सिर्फ इस तरह से, ये देखिए गाइस, ये देखिए पूरा भरा हुआ है, देखिए एक इतनी सी भी जगह नहीं है, ये देखिए अगर आप इसे ऐसे भी देखते हैं ना तो भी ये देखिए पूरा भरा हुआ है, ये देखिए वाओ कितना स्मूथ है। आपको लग रहा होगा कि सिर्फ हमने हाफ पैक ओपन किया है तो मे बी हाफ इस साइड हो गया होगा, मतलब इस साइड खाली होगा, ये देखिए, ये देखिए 600 रुपए में आप क्या लेंगे और कंपनी से बताएं। और वो भी हेयर मास्क जो सस्ते नहीं आते हैं यहाँ तक, ये देखिए आप इसे ऐसे भी देखिए, देखिए कितना ज्यादा भरा हुआ है गाइस, आप इसे ना 2 महीने यूज कर सकते, 2 से 3 से 4 महीने एटलीस्ट, जो लोग बहुत कम यूज करते हैं ना हेयर मास्क उनका 6 महीने चल जाएगा, बहुत मेरा तो पता नहीं कब तक चल जाएगा। आप देख सकते हैं इसका, मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ, बहुत ही क्रीमी है। तो गाइस जैसा आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट है, और मतलब बालों के लिए बहुत ही हाइड्रेटिंग है ये, ऑब्वियसली हेयर मास्क बालों को हाइड्रेट करने के लिए होते हैं, बहुत ही अच्छा। और रेड ऑनियन, ऑफ कोर्स रेड ऑनियन का वाओ के पास पूरा एक हेयर पैक है, मतलब पैकेज है, उसमें आपको हेयर मास्क और सिर्फ रेड ऑनियन का हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू है ना, ये सारी चीजें और कंडीशनर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी अगर आपको सिर्फ रेड ऑनियन का चाहिए। देखा कि क्वांटिटी की भी कोई कमी नहीं होती, अगर आपको जिनको प्राइस ज्यादा लगता है, देख लो पूरी बोतल भरी हुई, आप क्या लोगे, खा जाओगे कंपनी को? और नहीं, आप प्राइस का क्या बोल रहे हो आप, वो मतलब ऑब्वियसली ये आपका मास्क पूरा साल भर भी चल सकता है, अब पूरे साल भर में आप 600 रुपए नहीं दे सकते, ये बोतल इतनी है और ये पूरी भरी हुई है, कितना हेयर मास्क यूज करोगे? अगर किसी के मतलब बहुत ज्यादा लंबे हैं बाल, वो लोग भी कितना यूज करेंगे, मतलब बहुत कम सिर्फ हमें स्ट्रैंड्स भी यूज करना होता है, स्कैल्प पे तो यूज करते नहीं है, तो बस 200 ml है गाइस, 200 ml लिखा हुआ है 200 ml, पर 200 ml से ज्यादा ही है क्योंकि इतना फुलफिल है वो। तो चलिए हम बढ़ते हमारे फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ, ठीक है ले लेना। तो चलिए अब हम बढ़ते हमारे फ्री प्रोडक्ट की तरफ, ये है हमारे पास कोकोनट का परफेक्टिंग क्रीम, ये देखिए कितनी प्यारा कोकोनट बनो, इतना तो रियल में भी प्यारा नहीं होता। और इसका प्राइस है
$5.99 जो हमें फ्री मिला है, कितनी अच्छी हमारी किस्मत है, कितने महंगे प्रोडक्ट हमें फ्री मिल रहे हैं। फ्री में अच्छी बात है, देना चाहिए यार लोगों, लोग ट्राई नहीं करेंगे तो उनकी ऑडियंस कैसे बढ़ेगी, ऑडियंस कैसे बढ़ेगी। ये देखिए यहाँ पे सारी अगेन आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, प्राइस मिल जाएगा, गाइस इतना आता है ये बोतल और इस ये कितनी 50 ml है यहाँ पे लिखी हुई है। और गाइस तो आपको 50 ml भी बहुत है प्राइस के अकॉर्डिंग। ये नहीं, मेरे पास मैंने एक ऑलरेडी क्रीम मंगाई थी, वो मेरी 2 महीने तक तो उससे ज्यादा ही चल गई थी, तो सही अच्छी बात है। इसमें गाइस को विटामिन ई है, कोकोनट ऑयल है और हाइलुरोनिक एसिड है, और इसमें ट्राइपेप्टाइड भी है और ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखता है और हमारा कॉम्प्लेक्शन इवन सूटेबल ऑल स्किन टाइप। यहाँ पे आपको अगेन लिखा हो आप ना गाइस, अगर आपको लगता है कि वाओ कोई प्रोडक्ट है जो हमारी स्किन पे सूट नहीं करेगा, तो वाओ जब प्रोडक्ट्स अपने सेल करता है ना, वहाँ प्रोडक्ट्स के साथ में उनकी सारी इन्फॉर्मेशन भी नीचे लिखी हुई होती है, तो आप उसमें सर्च कर सकते हो, उसमें देख सकते हैं कि आपकी स्किन टाइप के लिए है या नहीं। कोई भी इवन वाओ के अलावा भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें आप पहले डिटेल देख लीजिए उनकी, उनकी सारी डिस्क्रिप्शन में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो सारी आप एक बार देख सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए है या नहीं। कुछ लोग बस प्रोडक्ट देखते हैं, कंपनी का नाम अच्छा है, बस ऑर्डर करते हैं, फिर बाद में पता चलता है उनकी स्किन टाइप के लिए है ही नहीं। तो गाइज इसके लिए आपके पास एक और ऑप्शन है, अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना है तो एक स्मिटन ऐप है, उसके बारे में हमने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में और बीच में बहुत सारी वीडियो बनाई है स्मिटन और क्या, तो वो ऐप इसीलिए है ताकि आप उससे प्रोडक्ट्स लेके सैंपल साइज में आता है, आप ट्राई करके देखिए, अगर आपको सूट कर रहा है फिर आप बड़ा साइज का प्रोडक्ट मंगाइए। तो दिखाते हैं आपको इसको खोल के, ये देखिए अगेन वाओ की सारी जो क्रीम होती है वो हैंड फ्री होती है, जिससे हमें वो ऐसे पुछ पुछ करके ऐसे ना निकालना पड़े। ये देखिए यहाँ पे एक सेफ्टी कैप होती है, वाई मेरा सेफ्टी निकल रहा है बार बार, देखिए तो इसमें एक सेफ्टी कैप होती है, दिखा मैं नेल से निकालू, देखिए मेरे तो नेल सी दिए गए। ये देखिए गाइस बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सेफ्टी कैप है, आप चाहें तो दोबारा से इसे मतलब यूज करने के बाद इसे बंद कर सकते हैं, जिससे इसमें एयर ना जाए। नहीं और गाइस आपने देखा होगा क्रीम यूज करने के बाद अगर हम उसे ऐसे ही रख दें तो उसमें वो हार्ड वो जम जाती है क्रीम और वो हार्ड हो जाती है, फिर उसे हम अप्लाई नहीं कर पाते, तो उसके लिए ही अच्छा है सेफ्टी कैप। ये देखिए आप इसे ऐसे प्रेस करेंगे ना एक दो बार, ये देखिए मैं आपको दिखा ये रहा, ऑब्वियसली वाइट है तो आपको वाइट नहीं दिखेगी। कितनी क्रीमी है एकदम, ऐसा लग रहा है जैसे कि कोकोनट की कोकोनट का वो जो मिल्क होता है ना, वो जो कोकोनट का फुल क्रीम मिल्क होता है उसकी तरह लग रहा है एकदम, जैसे खाने का मन कर ऑब्वियसली क्रीम है, हम वेस्ट क्यों करें। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, फ्री प्रोडक्ट आपको ये दिख रहा होगा, ये कितना लंबा है, इतना बड़ा फुल साइज प्रोडक्ट, फ्री है, फ्री $3.99 ₹400 का प्रोडक्ट एवरी फ्री दे रहे हैं। अच्छा है ना कि अपने ऑडियंस बढ़ा रहे हैं, कितने सारे लोग अब इनसे ज्वाइन हो चुके, कितने सारे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, ऑफकोर्स वो लोग भी तो देखेंगे, वो भी तो लेंगे और क्या, बस लाइक और शेयर नहीं करेंगे, हमारा वीडियो देख के जाएंगे बट हमारे ही वीडियो से चीजें लेंगे, बट भले ही हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से ही ऑर्डर करेंगे, बट हमारे चैनल को ना तो सब्सक्राइब करेंगे ना ही हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे। तो चलिए ये रहा हमारा अभी हम करंट में आपसे ये हैं, ये देखिए नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। तो ये रहा हमारा इसका पैम्पलेट, इसमें सारे प्रोडक्ट्स दिए गए, और इसमें आपको पीछे दो एक्ट्रेस भी दिख रही होंगी ब्रांड को प्रमोट करते हुए, देख रहे हो इनके भी फेवरेट है, इनका भी फेवरेट है, हीरोइंस भी अब तो वाओ के वाओ का बजट बढ़ गया, हीरोइन अफोर्ड है, वाह मैं बात कर रही हूं, फुल साइज प्रोडक्ट गाइस। ये है वाओ का मोरेक्टन आर्गन ऑयल फोमिंग फेस वॉश, और इसमें ऑब्वियसली बिल्ट इन ब्रश है, ये सिलिकॉन ब्रश है और सेफ्टी के प्रिकॉशंस बहुत फॉलो करते हैं, वाओ अच्छी बात है। ये कैप जब यूज कर ले इसे थोड़ा सा ड्राई होने दे, फिर उसके बाद ऐसे कैप लगा दे, हाँ। ताकि जो बाहर डस्ट वगैरह होती है उससे आपके ब्रश पे ना आके, ऑब्वियसली क्योंकि वो स्किन पे ही लगेगा हमारी। और ये सुटेबल है नॉर्मल ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए नहीं है, क्योंकि शिट मेरे लिए नहीं है, सॉरी नहीं, वैसे कर सकते हो अगर जैसे जिनको पिंपल्स वगैरह होते हैं वो शायद नहीं कर सकते, आर्गन ऑयल होता है, आर्गन ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चर और हाइड्रेट करने के लिए माना जाता है, तो ऑब्वियसली ऑयली स्किन वाले थोड़ा ट्राई करके फिर ये देखें। तो गाइस ये है 150 ml प्रोडक्ट, और इसमें भी पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन और कलर फ्री है ये, और 50% एक्स्ट्रा है, और 100 ml था बट आराम से ये मेरे 2 महीने चल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हर रोज तो आप अपने फेस पे स्क्रब करोगे नहीं ब्रश वगैरह से नॉर्मल। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको पैक के पीछे मिल जाएंगी, यूज करके दिखा, ओह इसका रिफिल पैक भी आता है, अच्छी बात है। और ये जो ब्रश है ना, अगर आप ये ऐसे आप यूज करने के बाद इसे ऐसे क्लीन कर सकते, क्लीन करके ड्राई करके वापस आप इसमें इंसर्ट करके ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे आप इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इसके ब्रश जो है बहुत ही सॉफ्ट, यूज करके दिखा दो, इतना तो कर ही सकते हैं, हाँ ऐसे साइड से पहले से शायद शेक, हाँ पहले वैसे शेक करना चाहिए इसको, फोमिंग फेस वॉश है,
ऐसे स्क्रब करके दिखाओ. और गाइस ये सिलिकॉन ब्रश है तो ऑब्वियसली ये बहुत सॉफ्ट है, ये हार्ड ब्रश नहीं है. सिलिकॉन सॉफ्ट होता है तो आप उसे आराम से यूज कर सकते हो बिना डरे. देखिए आपके स्किन के साथ कैसे ये एकदम यहाँ पे ऐसे चला जाता है, ये देखिए चला जाता मतलब मुड़ जाता है, हो जाता है जल्दी इजीली. आपको ज्यादा हार्ड नहीं करेगा मतलब चुभेगा नहीं. कुछ कुछ स्क्रब करने के चक्कर में अपने चेहरे को इतनी बुरी तरह से फिसल लेते हैं एकदम ऐसे ऐसे वही. तभी आप लोग देखते होंगे जैसे कभी आप अपना फेस ध्यान से देखना, आपके यहाँ पे लाइंस जो पड़ जाती है ना वो ज्यादा हार्शली स्क्रब करने से हो जाती है. कीजिए आप स्क्रबर भी यूज कर रहे हैं ना तो मतलब एकदम पोलाइटली ऐसा चेहरा है कोई जंगल का मैदान नहीं है. और ऑब्वियसली सिर्फ चेहरा नहीं पूरी बॉडी पे भी आराम से करना चाहिए स्क्रब. और सबसे पहली बात तो आपको स्मॉल पार्टिकल्स वाला स्क्रब लेना चाहिए, हार्ड पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल्स वाला नहीं. होममेड अच्छा होता है, चावल वाला स्क्रब अच्छा होता है. कुछ कंपनियों के मैंने भी यूज किए बट मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, बट उनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके स्क्रबर में बहुत कुछ तो इतना बड़ा बड़ा डाल देते वो अपलोड वाले एप्रिकॉट वाले. हाँ उसमें बहुत ना स्किन यहाँ पे आपको तब तो पता नहीं चलेगा ना जब आप यहाँ पे क्रीम वगैरह कुछ भी अप्लाई करते हैं या नॉर्मल वाटर दोबारा अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे हल्का हल्का जलन होने लगती है फेस पे. उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्किन डैमेज हो चुकी है, हो गया बनता था. और कुछ लोग जैसे होते हैं ना जो होममेड चीजें यूज करते हैं जैसे चावलों को अच्छे से पीस के फिर उससे स्क्रब करते हैं, नेचुरल चीज करते हैं, तो उसमें भी वो लोग ध्यान रखें. हाँ. आपको चावल इतना पीसना है कि उसका पेस्ट बन जाए और वो हार्ड पार्टिकल्स ना रहे, बिल्कुल ना रहे, वो अच्छे से स्किन डैमेज कर सकते हैं. आप जहाँ भी अपना स्क्रब कर रहे हैं वो पार्ट मतलब आपकी स्किन में अगर आप हैंड पे कर रहे हैं तो वो भी आपकी डैमेज कर सकते हैं वहाँ की स्किन और आपकी स्किन में ऐसे लाइंस कर सकते हैं. और गाइस दैट्स द एंड ऑफ वीडियो. नहीं नहीं अभी नहीं क्योंकि अभी हमें आपको सरप्राइज प्रोडक्ट्स दिखाना जो हमने अलग से मंगाए थे. चलिए बढ़ते हमारा सबसे दो प्रोडक्ट ही थे सरप्राइज प्रोडक्ट की तरह. सरप्राइज प्रोडक्ट हमारा पहला प्रोडक्ट है ये ऑयल कैस्टर ऑयल है ये. और ये कोल्ड प्रेस्ड है और हेक्सेन फ्री है और ये सपोर्ट करता है हेल्दी हेयर स्किन आई लैशेज आईब्रो नेल्स लिप्स हर कहीं पे आप पूरी बॉडी पे को यूज कर सकते हैं. बहुत सारे लोगों को कैस्टर ऑयल का यूज बहुत अच्छे से मालूम होगा कि हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं अपनी स्किन पे, अपने हेयर्स पे, अपने नेल्स पे, अपने लिप्स पे, कहीं भी यूज कर सकते हैं. और सभी के पूरी बॉडी के लिए कैस्टर ऑयल और दो तीन ऐसे ऑयल होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं. ये 200 ml है और 399 इसका प्राइस है. ये हमने अलग से मंगाया था क्योंकि ये किसी भी ऑफर में नहीं मिल रहा था. हमने यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि इसमें क्या क्या है और इसे कैसे कैसे यूज करना है और ये स्किन पे कैसे यूज करना है, आपको हेयर पे कैसे, आई लैशेज और आईब्रो पे, नेल्स पे और ये लिप्स पे कैसे यूज करना है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर लिप्स पे मसाज 1 or 2 ड्रॉप्स ऑन चैप्ड लिप्स एंड यूज अ सॉफ्ट कॉटन टू जेंटल फ्लोट ऑफ और डेड स्किन मतलब हल्का सा अप्लाई करके मसाज करके फिर आप कोई भी जैसे कॉटन का कपड़ा या क्लॉथ उससे साफ कर सकते हैं. साफ है ना, कुछ लोग होते हैं ना उसी टॉवल से पूरी बॉडी पोंछ लें उसी से मुंह रगड़ रहे हैं, अलग होना चाहिए फेस का टॉवल अलग होना चाहिए. आपको पिंपल होते हैं ये चीज नॉर्मल बेसिक हाइजीन बहुत से लोगों को नहीं पता होता है. और गाइज इसकी मैं आपको एक और बात बता दूं, बाकी ऑयल्स का पता नहीं, कैस्टर ऑयल के साथ आप कैस्टर ऑयल सिंगल यूज नहीं कर सकते, बहुत हार्ड होता है, बहुत हैवी होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है. इसको यूज करने के लिए आप चाहे गर्म करिए हल्का सा वार्म करके और इसमें आप दूसरा ऑयल थोड़ा सा मिक्स करके फिर यूज करें. जो भी यूज करते हैं आप मतलब जैसे कोई भी हेयर पे जो भी आप ऑयल यूज करते हैं जो आपको सूट होता है उसके साथ आप इसको हल्का सा मिला के और अपने हेयर पे यहाँ पे मसाज कर सकते हैं अपने. वैसे भी दो तीन ऑयल मिक्स करके लगाने से ज्यादा अच्छे हेयर्स हो जाते हैं जल्दी. और स्किन पे आप इसे किसी भी कॉटन में लेके हल्का सा यहाँ से मतलब अप्लाई कर सकते हैं, नेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं. बहुत लोग होते हैं ना जैसे मैं यहाँ पे क्यूटिकल्स में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, नेल्स नहीं बढ़ रहे होते, उन लोगों के लिए ये बहुत यूजफुल होता है. ये कैमरा इतनी पागल उसकी इसके मार खाई है मेरे से. अगेन ये इस टाइप की पैकेजिंग में आती है, इस टाइप की काफी ज्यादा है ये 200 ml है और 399 का. यार गाइस आप कोई और ब्रांड का अगर कैस्टर ऑयल लेने जाएंगे ना वो 400-500 का आएगा, बट वो ना फिल्टर नहीं होता, बहुत ही अजीब सा. तो कुछ मैंने एक बार कैस्टर ऑयल ऐसा देखा, मोस्टली जो नेचुरल कैस्टर ऑयल होता है वो बहुत थिक होता है, बट ये जो कैस्टर ऑयल था ना जो मैंने कुछ टाइम पहले यूज करने के लिए दिया था ना वो इतना पतला था, इतना पतला मैं बोल रही हूँ. वो बोलता है कि नॉर्मल एज अ हेयर ऑयल यूज कर लीजिए आप इसमें. और नहीं जैसे इसके अलावा जैसे आप डाबर का कैस्टर ऑयल देखिए वो भी अच्छा है, बट वो इतनी सी बॉटल है वो 100-180 समथिंग की होती है, बट इसके प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है. ये देखिए इसका सेफ्टी कैप देखिए, यहाँ पे भी आपको ये पंप वाली बॉटल है जिससे आपको वो ऐसे ऐसे करके निकालनी अच्छी रहती है, या फिर वो कॉम्ब टाइप की वो अच्छी होती है. ये भी अच्छी होती है, इसमें आपको ज्यादा जितना चाहिए उतने, वरना वो घेरने वाली बोतल होती है उससे तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा निकल आता है. ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए निकलते इतना थिक है, बिल्कुल जेल जैसा है. ये देखिए जेल से भी थोड़ा थिक है, जेल से भी थिक है. और ये नॉन
नॉन स्टिक, थोड़ा सा स्टिकी है, ज्यादा नहीं है। अगर आप इसे किसी और ऑयल के साथ लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा, नॉन स्टिकी है बिल्कुल। और ऑब्वियसली आप इसे आईब्रोज आईलैशेस में लगाएंगे तो आपके आईब्रो आईलैशेस बहुत थिक और ब्यूटीफुल होंगे। हाँ, और कॉटन पैड पे लेके जो लिक्विड लिपस्टिक होती है बिना किसी ब्रांड की, है ना, मतलब जो लोकल ब्रांड की होती है वो स्टिक हो जाती है एकदम लिप्स पे, हमारे लिप्स पे से छुटती नहीं, बहुत गंदी सी। और उसके बाद ना क्या होते हैं ना, हमारे जो लिप्स होते हैं ना उनकी नेचुरल जो पिंक लिप्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं लोकल चीजें यूज करने से, है ना। उस पर आप यूज कर सकते हैं अगर आप उन मतलब उन लोकल प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद, जब आप उसे छुटाते टाइम इसको थोड़ा सा कॉटन पैड पे लेके अगर उससे छुटाएंगे ना तो आपको उतना मतलब नुकसान नहीं करेंगी वो सारी चीजें जितना वो नॉर्मल करने वाली थी, इससे वो नुकसान बहुत कम हो जाएगा। तो आप उसे एज अ मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, आप इससे कुछ भी लिपस्टिक अपना मेकअप ब्लश जो भी चीजें आप यूज कर सकते हैं फाउंडेशन वो सब आप मस्कारा वगैरह कुछ भी छुटा सकते हैं बहुत अच्छा। और लेकिन गाइस ये ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली ये थिक ऑयल है और अगर आप मेकअप करने के बाद ऑयली स्किन वाले अगर आप ऑयल से ही हटाओगे मेकअप अपना तो ऑब्वियसली आपकी स्किन के लिए बहुत ही डेंजरस है, आपके पिंपल्स पे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ेगा। मेरी तो ड्राई स्किन है, मैं तो कर सकती हूँ यूज, लेकिन हाँ अगर ऑयली स्किन वालों को करना है हल्का सा हल्का लेती हूँ, मे बी एक ड्रॉप एक पिंच ही लेती हूँ। हाँ, उतने में मेरा हाँ, नहीं हल्का सा आप यूज करके बट फेस वॉश जरूर करना उसके बाद। हम करते हैं हम तो नेचुरल ब्यूटी, बस एक लिपस्टिक है नहीं नहीं जैसे मेरे को कभी यूज करना होता है तो मतलब वही करना सीखना मुझे, आप मेकअप करना मुझे सिखा दीजिए। हाँ उस पर भी व्लॉग बना वीडियोस बना सकते हैं अगर आप चाहे तो, न्यूकमर्स मेकअप वीडियो। हाँ तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको फेस वॉश करना जरूरी है ऑयल स्किन वाला, बस ये ऑयल तो इसलिए जिससे आपको वो केमिकल आपकी बॉडी पे हार्श ना करे, वो केमिकल आपकी स्टिक ना हो जाए, पोर्स क्लॉग ना करे, आपकी बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए है ये ऑयल। उसके बाद तो आपको ऐसा कुछ लोग ऐसा नहीं कि इससे साफ कर लिया बस छोड़ दिया सो गए, ऐसा नहीं करना है गाइस। उसके बाद फेस वॉश से अच्छे से क्लीन करना, उसके बाद आपको नाइट रूटीन फॉलो करना है उसके बाद ही। हाँ वैसे भी आप ये रेगुलर यूज कर सकते हैं, उसमें लिखा है डेली यूज के लिए, रात में सोने से पहले पानी से हल्का सा फेस वॉश करके ऑयल से मसाज करके हल्का सा सो सकते हैं आप ऐसे। वो भी अच्छा है, मतलब जो लोग नाइट रूटीन नहीं करते हैं उनका इस एक प्रोडक्ट में सारा काम होने वाला है। नाइट रूटीन मेकअप रिमूवर जो अलग अलग चीजें नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए बहुत अच्छा है, हेयर ऑयल है ना, स्कैल्प मसाजर हो जाएगा और क्यूटिकल मसाजर हो जाएगा। और नहीं ये ऑयल इतना अच्छा है, ये ऑयल इस ऑयल से हमारे स्प्लिट एंड्स होते हैं वो भी हमारे सही हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं स्प्लिट एंड्स, तभी हमारी हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो ऑब्वियसली आप जरूर इसको ट्राई कीजिए एक बार। चलिए 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 अब हम आपको जल्दी से दिखाते हैं सेकंड प्रोडक्ट। ये है, ये स्पेशली मैंने अपने लिए मंगाया था बिकॉज इसका सनस्क्रीन तो रखा हुआ है। हाँ नहीं करेंगे यूज हम दोनों बट ऑब्वियसली नहीं नहीं मेरे पास ना मेरा सनस्क्रीन खत्म हो गया था तो मैंने ये मंगाया क्योंकि हाँ। तो ये है सनस्क्रीन फेस सीरम, ये सनस्क्रीन फेस सीरम विद फेस सीरम, तो फेस सीरम भी है और ये है वेरी हाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन और ये मैट फिनिश है और ये एसपीएफ 55 है विद पी ए प्लस प्लस प्लस, अब ये जो भी होता है पी ए प्लस 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 मुझे नहीं पता क्या होता है, टाइप्स के लिए है और ये 50 ml है। हाँ और बहुत ही अच्छे सनस्क्रीन है ये, आपको इंस्ट्रक्शन इतने प्यारे दिए हुए, सन बना के दिया हुआ है, यूवी रेज बना के दिया है ना, यूवी रेज कैसे क्या होता है वो सब आपको, ओजोन लेयर फ्रेंडली है ये, है ना। और ये पैराबेन सिलिकॉन मिनरल्स ऑयल कलर और बेंजो फेनॉन फ्री है। और चलिए अब हम इसे ओपन करते हैं, इसका प्राइस तो बता दो दीदी। 599 600 का है, ये थोड़े कॉस्टली हैं बट बहुत ही अच्छे हैं। नहीं ये हमने कूपन कोड लगा के लिए थे तो हमें थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था, ये फुल प्राइस नहीं लिया। तो ये रही हमारी बॉटल, अब किन ही लोगों को ये 599 में इतनी सी बोतल बहुत कम लग रही होगी, बट गाइस अगर आप सनस्क्रीन अलग से लेंगे और फेस सीरम अलग से लेंगे तो वाओ का सीरम ही अकेला 700 का आता और जो वाओ की स्किन सॉरी सनस्क्रीन है वो 599 ऐसे कुछ की आती, तो आप देख लीजिए किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। नहीं तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बस हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा, मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाने की जरूरत है, नॉर्मल आई क्रीम लगाइए, लिप बाम लगाइए और ये लगा लीजिए। मैं तो यही करती हूँ नॉर्मल, तो यही वो तो वीडियो के लिए हम इतनी लिपस्टिक लगा ही लेते हैं। और गाइज इसमें जैसे बार कोड यहाँ पे दे रखा है आप स्कैन कर सकते हैं और ये ऑयल फ्री है तो ऑब्वियसली ऑयल फ्री है तो ये ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छा है। बस थोड़ा एक्ने वाले एक्ने प्रोन स्किन वालों थोड़ा सा प्लीज ट्राई कर लेना, पहले पैच टेस्ट कर लेना आप यहाँ पे लगा यहाँ पे, कुछ लोग होते हैं ना डायरेक्ट स्किन पे फेस स्किन पे यूज करने लगते हैं, ऐसा नहीं करना, यहाँ पे कीजिए, पहले यहाँ पे कर सकते हैं आप, या कान के पीछे वाला जो एरिया होता है ना ये भी हमारे स्किन वाले ही मतलब जो फेस स्किन होती है ना उस वैसा ही होता है, तो यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्ट कर रहा है कोई भी पिंपल उठ रहा है या फिर जलन दे रहा है तो आप समझ जाइए कि आपके फेस पे भी सूटेबल नहीं है, या फिर यहाँ पे हैंड पे यूज, जैसे किसी की वेरी सेंसिटिव स्किन होती है वो लोग भी जरा एक बार ट्राई कर ले, वरना ड्राई और ऑयली स्किन वाले तो एडजस्ट हो जाते हैं, ड्राई नॉर्मल ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन वाले। तो चलिए ये देखिए मेरा बहुत पतली हो गई, अब हम आपको नेक्स्ट न्यूट्रिशन पे दिखाएंगे वीडियो।
तो चलिए ये देखिए, ये रहा इसका सेफ्टी कैप, बहुत अच्छी बात है। जैसे देखिए कुछ पंप खराब हो जाते हैं, हम ना एक बार दबाते उसके बाद वो निकलते ही रहते, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और ओके मैं अभी आप थोड़ा सा आपको देख के यूज करना है, थोड़ा ज्यादा निकल जाता है। ये क्रीम बेस्ड है, ठीक कांच की बोतल है, मेरे को लगा प्लास्टिक है। ये क्रीम बेस्ड है और बिल्कुल थिक नहीं है, ये उसमें मैट लिखा है, हाँ मतलब मैट है लेकिन ये थिक वाला मैट नहीं है। जैसे वाव का ही जो सनस्क्रीन है वो थिक है और वो मैट भी है, तो वो गर्मियों के टाइम पे ना थोड़ा सा सफोकेटिंग हो जाता है। वो आप विंटर्स में लगाइए या नॉर्मल मौसम में लगाओगे तो अच्छा है। नॉर्मल मैंने उस सनस्क्रीन को यूज किया ना, उसको लगाने के बाद क्या होता है ना, मेरी स्किन जो है ना वो और भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा पसीना पसीना हो जाता है। इतना है भी नहीं, मतलब इतना पसीना नॉर्मल मतलब नॉर्मली हमें नहीं निकलता जितना उसे लगाने के सच में। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं फुल कवरेज सनस्क्रीन है और बहुत ही अच्छी ड्रॉप पूरे हैंड में, पूरे हाथ में, मैंने तो यहीं पे लगा के खत्म कर दी, बट ये पूरे हाथ में कवर हो जाती है। इतनी पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई थी थोड़ा मैंने बेशरम। तुमने भी तो सब यूज किया था, मैंने भी तो पहले स्मिटन के प्रोडक्ट यूज किए थे। तो गाइज इसकी खुशबू भी लाइट फ्रेग्रेंस है और बहुत ही लगाने के बाद ऐसा नहीं लगे कि हमने कुछ लगाया है, मतलब इतनी ज्यादा स्मेल, नॉर्मल स्किन जो सनस्क्रीन होती है ना उनकी बहुत ज्यादा स्मेल आती है। आप देख सकते हैं ये लगाने के बाद हल्का सा व्हाइटिश लुक देता है, बस हल्का सा, जब तक स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, और फिर धूप में आने के बाद तो बस सब मतलब वो ट्रांसपेरेंट हो ही जाएगा, बट अच्छा है, ज्यादा ओवर व्हाइट नहीं देता। जैसे कुछ सनस्क्रीन होती है ना जो ओवर व्हाइट दिखा देती है। अब जैसे मान लीजिए आपका स्किन थोड़ा सा डार्क है, कोई बात नहीं, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट वो सनस्क्रीन फिर आपकी स्किन को ना वेट दिखा देती है। जैसे नेक आपकी हो गई, नेक आपकी स्किन, तो आप फुल यहाँ तक अप्लाई कीजिए, जो भी पार्ट आपका ओपन है जो शोइंग है, ताकि वो अलग अलग ना दिखे और फिर गंदा दिखे आपकी। तो ये था हमारा आज का लास्ट प्रोडक्ट जो हमने मंगाया था, और गाइस बिलीव मी आप ये एक बार जरूर ट्राई करके देखिए सनस्क्रीन वाओ की। भले ही आप वो सनस्क्रीन वो वाली मत कीजिए, लेकिन एक बार ये सीरम वाली कीजिए, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छा लुक देती है। हाँ बहुत ही अच्छा है, आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए। तो गाइस द एंड ऑफ वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर, वेट अगर आप चाहते हैं हम आपको हेल्दी स्किन न्यूट्रिशन पे आपको क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए उसके ऊपर, बालों के लिए, और हम अभी क्या बता रहे थे कि हाँ मेकअप से मेकअप रिलेटेड टिप्स आपको चाहिए या फिर स्किन रिलेटेड टिप्स आपको चाहिए, अगर आप चाहते हैं हम उस पे वीडियो बनाए तो अगेन कमेंट। और ऑब्वियसली मेरे पास और भी आइडियाज है, जैसे पर्सनल हाइजीन इन सब से रिलेटेड, इन सब पे मैं बहुत अच्छी टिप्स दे सकती हूँ गर्ल्स आपको। तो आपको अगर ये देखनी है, गर्ल्स बॉयज कोई भी हो, तो आप प्लीज कमेंट डाउन कीजिए, हम आपको जरूर इस पे एक सीरीज वगैरह दिखाएंगे। इस पे मतलब मैं थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ आप लोगों को, सब होता है ना कि मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ ना जैसे ओनली गर्ल्स अंडरस्टैंड या गर्ल्स हाइजीन इनके बारे में सिर्फ गर्ल्स वीडियोज देखें या गर्ल्स को ही पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। बॉयज को भी अगर पता होगा ना, बॉयज उतने ही अवेयर होंगे ना गर्ल्स की चीजों को लेके। बहुत से बॉयज होते हैं जो डर्टी वे में ले जाते हैं, पर बहुत से ऐसे बॉयज भी होते हैं जो अच्छे मोटिव से देखते हैं, जिससे उनकी बहन को या उनकी गर्लफ्रेंड को उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प कर सकती है। तो गाइज अगर आप हमारे वीडियोज देखते हैं ना तो उसी मोटिव से देखिए प्लीज, और डर्टी कमेंट्स मत कीजिए, क्योंकि नॉलेज के लिए बना रहे हैं, गर्ल्स की हेल्प के लिए बना रहे हैं ये सारे वीडियोज, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए। और ऐसा कुछ नहीं है बॉयज बना रहे नहीं, मतलब बनाएंगे अभी तो ये वाले वीडियो तो कोई भी देख सकता है, बॉयज गर्ल्स कोई। हाँ ये हम वीडियोस बना रहे हैं तो ये कस्टर ऐसा मैं सोचेगा या फिर कोई भी प्रोडक्ट की गर्ल्स यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बॉयज आप भी यूज कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं सनस्क्रीन, आप भी यूज कर सकते हो, आपकी भी स्किन है, आपका भी चेहरा है, आपको भी मेंटेन करना है ना, अच्छा दिखना है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने कहीं पे भी वो मेंशन नहीं किया कि ये सिर्फ बॉयज या गर्ल्स यूज कर, नहीं जो होते हैं उसमें हम बता देते हैं, जो प्रोडक्ट अगर हम आपको बता रहे हैं कि ये सिर्फ गर्ल्स यूज कर सकती वो ही प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ गर्ल्स और बॉयज में, जिसमें हम अंतर करते हैं, बाकी जो भी प्रोडक्ट हम दिखाते हैं इवन स्मिटन मामा अर्थ प्लम कैफीन वाओ जितने भी हम प्रोडक्ट दिखाते हैं वो इवन हम वो प्रोडक्ट्स चुन के लाते हैं जो बॉयज और गर्ल्स दोनों यूज कर सके। और गाइस देखिए सनस्क्रीन की मैं एक और आपको लास्ट में बात बता देती हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं सनस्क्रीन हमें सिर्फ तब लगानी चाहिए जब धूप होती है और हम धूप में बाहर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, सनस्क्रीन आपको रोज यूज करनी चाहिए। चलो रोज नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 3-4 बार तो जरूर करो, क्योंकि ऑब्वियसली सनस्क्रीन से हमारी जो एजिंग प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है, सनस्क्रीन से हमारे जो स्किन में बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं वो सब नहीं होते, कम हो जाते हैं, और मतलब सनस्क्रीन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके बेनिफिट्स वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी या इसके अलग से वीडियो लेके आऊंगी मैं आपके लिए। तो ऑब्वियसली हम या तो हम एक और वीडियो अगला जो हमारा आने वाला वीडियो है उसमें मे बी ट्राई करेंगे हमारा इस टॉपिक पे हो कि डे रूटीन और नाइट रूटीन हम उसमें आपको दिखा देंगे अपना, तो वो आपको मे बी हेल्पफुल हो। तो फाइनली दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक अवर वीडियो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियोस। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।